हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल रफीक एडिट्स एमबे। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आज हम सीखने वाले हैं रिमलेट फोटो एडिटिंग। गाइस, रिमलेट आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है एंड जिससे हमारा फोटो रियलिस्टिक सा बन सके। एंड गाइस, जो भी मैं बैकग्राउंड एंड पीएनजी यूज़ करूँगा सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, चैनल पे नहीं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड गाइस, अब तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जाओ जल्दी से फॉलो कर लो। मेरा यूज़र रेडी है rafiq_edits, क्योंकि मैं रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ। एंड गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो फॉर द एडिटिंग। सो गाइस, ये है हमारा बैकग्राउंड, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हूँ, वैसे जाके डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, चलते हैं ड्रॉ टूल पे। गाइस, ड्रॉ टूल पे आने के बाद यहाँ से ऐड फोटो पे क्लिक कर लेते हैं। एंड गाइस, क्लिक करने के बाद जो भी हमारा मॉडल है उसे ऐड कर लेते हैं। गाइस, आपको बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ, वहाँ से जाके आप बैकग्राउंड रिमूव करने का सीख सकते हो। गाइस, इसे परफेक्टली आप एडजस्ट कीजिए। गाइस, यहाँ से कर लेते हैं टिक। टिक करने के बाद दोबारा से एक एम्प्टी लेयर लेते हैं। गाइस, एम्प्टी लेने के बाद कलर पिकर को चूज़ कर लेते हैं। एंड चूज़ करने के बाद जो भी आपको कलर चाहिए उसे सेलेक्ट कीजिए। आपका बैकग्राउंड का कलर आपको लेना चाहिए, मैं यहाँ पे स्काई ब्लू ले रहा हूँ। एंड यहाँ से चलते हैं एंड यहाँ पर रेक्टेंगुलर को, गाइस रेक्टेंगुलर को चूज़ करने के बाद यहाँ पूरे लेयर पर अप्लाई कर लेते हैं। एंड गाइस, चलते हैं लेयर्स पर। लेयर्स पे आने के बाद इसे कर लेते हैं कॉपी। एंड गाइस, जो भी हमारा मेन मॉडल है उसे भी कर लेते हैं। गाइस, कॉपी करने के बाद कॉपी हुए सो मॉडल को इसे कर लेते हैं एक्सोर, इसका ब्लेंडिंग को रख लेते हैं एक्सोर। गाइस, एक्सोर करने के बाद इसे कर लेते हैं मर्च। एंड गाइस, जो भी रिजल्ट आए उसे भी कर लेते हैं एक्सोर दोबारा से। एंड गाइस, दोबारा कर लेते हैं मर्च। सो गाइस, मर्च करने के बाद जो भी हमारा मेन मॉडल है एंड बैकग्राउंड है उसका सी ऑफ कर लेते हैं। गाइस, सी ऑफ करने के बाद हमें कुछ शैडो टाइप का मिलेगा, इसे हम सेव कर लेते हैं थ्री डॉट्स पे क्लिक करके। एंड गाइस, अब हमें हमारा मेन मॉडल एंड बैकग्राउंड का सी ऑन कर लेते हैं एंड जो भी अनवांटेड है उसे डिलीट कर लेते हैं, यहाँ से डन कर लेते हैं। गाइस, डन करने के बाद दोबारा से चलते हैं ऐड फोटो पे। गाइस, ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद जो भी हमारा शैडो टाइप का मिला है उसे ऐड कर लेते हैं। एंड गाइस, इसे परफेक्ट ऐड कीजिए एंड इरेजर को पिक कर लेते हैं। गाइस, यहाँ से इन्वर्ट कर लेते हैं। इन्वर्ट करने के बाद जूम इन कर लेते हैं। गाइस, जूम इन करने के बाद इसका हार्डनेस ओपेसिटी एंड साइज को कम रख लेते हैं। एंड गाइस, जो भी एडजस्ट आ रहे हैं वहाँ पे इसे सिंपली अप्लाई कीजिए, जहाँ जहाँ एडजस्ट है वहाँ वहाँ इसे अप्लाई कीजिए। गाइस, इसे फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच सके, आप ध्यान से कीजिए। गाइस, हमारा रिमलेट कंप्लीट हो चुकी है एंड इरेजर को चूज़ कर लेते हैं एंड इसका हार्डनेस और थोड़ा कम कर लेते हैं। एंड गाइस, जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा अनवांटेड एरियाज आ रहे हैं उसे इरेज कर दीजिए, जहाँ जहाँ आपको एक्स्ट्रा लग रहा है वहाँ पे भी इरेज कीजिए। गाइस, यहाँ से कर लेते हैं डन। गाइस, इसका ओपेसिटी को रख लेते हैं करीब 90% एंड यहाँ से भी कर लेते हैं डन। एंड गाइस, चलते हैं ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद कुछ स्मोक का पीएनजी मिलेगा उसे ऐड कर लेते हैं। एंड गाइस, इसे कर लेते हैं डुप्लीकेट। गाइस, एक को रख लेते हैं साइड पे एंड एक को ले लेते हैं एंड इसे नीचे की तरफ हमें बिठा लेते हैं, दूसरे को भी ले लेते हैं। एंड गाइस, इसे कर लेते हैं फ्लिप एंड रोटेट। गाइस, फ्लिप एंड रोटेट करने के बाद इसे भी साइड पे लगा लेते हैं नीचे की तरफ। गाइस, यहाँ से परफेक्टली आप ऐड कीजिए एंड यहाँ से डन कर लेते हैं। गाइस, डन करने के बाद दोबारा से चलते हैं ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद एक टेक्स्ट का पीएनजी मिलेगा, इसे ऐड कर लेते हैं। गाइस, आपको इस टेक्स्ट को कैसा बनाना है इसे भी चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं इसका भी एक वीडियो बना दूंगा। एंड इसका ब्लेंडिंग को रख लेते हैं स्क्रीन।
एंड इसे परफेक्टली एडजस्ट कीजिए। यहाँ से कर लेते हैं डन। गाइस डन करने के बाद चलते हैं डॉट टूल पे। गाइस ड्रॉ टूल पे आने के बाद थ्री डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ से कर लेते हैं हमारा फोटो को सेव। सो गाइस पिक्सआर्ट का काम खत्म हो चुके हैं, चलते हैं लाइट रूम की तरफ। सो गाइस लाइट रूम पे हमारा फोटो इंपोर्ट हो चुकी है एंड गाइस चलते हैं लाइट्स पे। एक्सपोजर को हल्के से बढ़ा लेते हैं एंड कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं एंड शेडो हाइलाइट्स को भी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं करीब 10% एंड शेडो को थोड़ी ज़्यादा ही रख लेते हैं करीब 70 या 80 के पास। गाइस वाइट्स को कम कर लेते हैं एंड ब्लैक्स को भी हल्के से कम कर लेते हैं। एंड गाइस चलते हैं कलर्स पे। गाइस कलर्स पे आने के बाद इसका टेम्परेचर को रखते हैं -6% एंड विब्रेंस को थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं एंड सैचुरेशन को हल्के से कम कर लेते हैं। एंड गाइस चलते हैं मिक्स पे। गाइस मिक्स पे आने के बाद ऑरेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका सैचुरेशन कम करके ल्यूमिनस को बढ़ा लेते हैं ताकि हमारा स्किन ग्लो हो सके। हल्के से बढ़ा लेता हूँ एंड यहाँ से डन कर लेता हूँ। एंड गाइस यहाँ से चलते हैं इफेक्ट्स पे। गाइस इफेक्ट्स पे आने के बाद इसका क्लैरिटी को हल्के से बढ़ा लेते हैं करीब 90% एंड विग्नेट को हल्के से कम कर लेते हैं करीब 10 या 9%। गाइस स्प्लिट टोन पे आने के बाद इसका हाईलाइट्स को रख लेते हैं करीब 233 एंड सैचुरेशन को रख लेते हैं करीब 24 या 26 के पास। जहां आपको परफेक्ट लगे वहां फिट कीजिए। गाइस यहां से शैडो को रख लेते हैं सेम 222 एंड 60, ठीक है। एंड इसे बैलेंस कीजिए, आपको जितना चाहिए उतना बैलेंस कीजिए। मैं यहाँ पे 30% ले रहा हूँ एंड यहाँ से डन कर लेते हैं। एंड गाइस चलते हैं डिटेल्स पे। गाइस डिटेल्स पे आने के बाद शार्पनिंग को बढ़ा लेते हैं, आपको जितना शार्पनिंग चाहिए उतना बढ़ा लीजिए। एंड गाइस यहाँ से चलते हैं नॉइस रिडक्शन पे, हल्के से चेड़ते हैं एंड कलर नॉइस रिडक्शन में हल्के से चेड़ लेते हैं। एंड गाइस यहाँ से चलते हैं सेलेक्टिव टूल पे। सेलेक्टिव टूल पे आने के बाद यहाँ से ग्रेडियंट को चूज़ कर लेते हैं एंड इसे नीचे से अप्लाई कर लेते हैं। एंड गाइस यहाँ से इसका एक्सपोजर को कम कर लेते हैं, आपको जितना चाहिए उतना एक्सपोजर को कम कर लीजिए एंड यहाँ से डन कर लेता हूँ। एंड गाइस आप देख सकते हो हमारा फोटो एडिटिंग कम्प्लीट हो चुकी है एंड बहुत सारे डिफरेंस आ चुके हैं एंड हमारा फोटो रियलिस्टिक सा बन गई है बिकॉज इसका इफेक्ट है रिम लाइट का इफेक्ट है ये। गाइस आप देख सकते हो हेवी डिटेल में भी आ चुकी है। एंड गाइस बिफोर एंड आफ्टर गाइस जो भी फोटो आप एडिट करो ना वो ज़रूर से मुझे इंस्टाग्राम में टैग कीजिए ताकि मैं वो देख सकूँ एंड स्टोरी पे मेंशन कर सकूँ। सो गाइस आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आपको इस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, मीट यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय।